में आप देखते हो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ दुकान से आप ले जाओ, अभी चेक कर लो, बाहर निकल के हमारी कोई गारंटी वारंटी, मैक्सिमम 15-20 दिन की, महीने की कोई दे देता है, थोड़ा बहुत करते हैं। ये इसी कारण होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने रिपेयर किया क्या। ठीक है, आपको पता ही नहीं है रिपेयर। मैं यहां तक आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से बच्चे सीखे आए हुए हैं, बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, और वो एकदम रजिस्टर लेवल के फॉल्ट पे ही फंस जाते हैं। आप बिलीव करो कि रेजिस्टेंस लेवल के फॉल्ट को ही नहीं उनको समझ आ रहा होता कि यहां से आखिर होना क्या है, करना क्या है। और मदरबोर्ड कभी भी इस तरीके से खराब नहीं होता कि वो एक बार ही खराब होगा तो पूरा मदरबोर्ड ही खराब हो गया। हमेशा एक लॉजिकली एक सर्किट से खराब होगा। उन्होंने सर्किट को डिजाइन इस तरीके से किया होता है कि अगर एक जगह से फॉल्ट आ रहा है तो वहीं पर वो स्टॉप हो जाए, बाकी मदरबोर्ड को वो खराब ना करे। ठीक है, वो बना डिजाइन ही इस तरीके से होता है। अब आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप उसको सही देखो, डायग्नोज ही सब कुछ है, फिक्स तो कोई भी कर देगा। मैंने आपको डायग्नोज कर दिया, फलाना भाई ये कैपेसिटर चेंज कर दो, या फलानी आईसी चेंज कर दो, या फलाना रेजिस्टेंस चेंज कर दो, आपने तो कर दिया 5 मिनट में। सारी मेहनत है उसको डायग्नोज करने में, कि आप डायग्नोज कैसे कर रहे हो उसके पीछे। देखो वैसे तो इलेक्ट्रॉनिकल फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है सिर्फ लैपटॉप लैपटॉप पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लैपटॉप में रिपेयरिंग क्या हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप में क्या काम कर रही है। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बेस्ट, सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपका बेसिक एकदम इतना क्लियर होना चाहिए। है 5-6 कंपोनेंट्स ही हैं, सुनने में आता है वीडियोस भरी पड़ी हैं नेट में, पता नहीं कितनी जानकारी भरी पड़ी है, रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटर्स क्या है, डायोड्स क्या है, मॉसफेट्स क्या है, सुनने में बड़ा छोटा यार ये क्या है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब रिपेयरिंग करोगे ना इधर ही फंसोगे, इनमें ही फंस जाओगे, आगे तो छोड़ ही दो आप, इधर से ही सारा काम खराब कर। अब फॉल्ट पीछे ही था, फॉल्ट था बिल्कुल स्टार्टिंग में, सपोज आपने कुछ भी डायग्नोस करने किया, फॉल्ट एकदम था स्टार्टिंग में, आपने क्या किया, आपने उसको चेक ही नहीं करवाया ढंग से, आप बढ़ गए आगे, फॉल्ट रह गया पीछे, आप बढ़ गए आगे, अब आगे आपने ऐसी तैसी करने शुरू कर दी बोर्ड की, आगे फॉल्ट नहीं, नहीं हुआ क्या, पीछे जो फॉल्ट था वो तो रह ही रहा, आगे एक और फॉल्ट क्रिएट हो गया। फिर कस्टमर आता है दुकान पे, हाँ जी सर मेरा हुआ रिपेयर, नहीं सर अभी 2 मिनट रुको, हो रहा है आज देते हैं शाम को, शाम को फिर आप क्या करते हो, आप और ऐसी कैसे करते थे मदरबोर्ड की। ठीक है, फिर एंड में आप क्या क्या करते हो, सर मदरबोर्ड चेंज होगा, कस्टमर कहता है नहीं जी मैंने नहीं करवाना, चलो कहता हूँ, कस्टमर कहता है करवा भी लेना, आपने दिल्ली से मदरबोर्ड मंगवाया, 500 रुपया आपने मदरबोर्ड में रखा, 5-6 हजार का पहले तो 10 में से 4 बंदे ही मुश्किल से मानेंगे मदरबोर्ड चेंज करना, उसमें से 4 जो मान भी गए उन्होंने मदरबोर्ड चेंज किया, और सिर्फ 500 रुपये आपको एक मदरबोर्ड के पीछे बचा, जिसमें से कुरियर लग गया, फिर उसमें कोई रिपीट आ गया। ठीक है, क्या कमाई की वहीं आप, अगर आपने फिर आप बोलो रिपेयरिंग यार की, सही की होती, 10 में से 8 भी रिपेयर किए होते, जहां आपको मदरबोर्ड चेंज करने में 500 रुपये बचना था, वहीं आपको 2-2 हजार रुपये एक मदरबोर्ड में बचना था, और आपको पता था मैंने रिपेयर क्या किया, इन एनी केस कोई वापस आ भी जाता है तो आप उसको हैंडल कर सकते, क्योंकि आपको पता मैंने क्या रिपेयर किया। और इन एनी मैं कहता हूँ बड़ा वर्स्ट केस में कोई ऐसा फॉल्ट हुआ जो रिपीट आने में रिपेयर नहीं हुआ, आप वापस भी दे रहे हो, आपको जेब से कुछ नहीं जा रहा, आपने कमाया हुआ है, आप मदरबोर्ड दिल्ली से मंगवा के 5 हजार का मदरबोर्ड मंगवा के 5 हजार का लगा रहे हो। ठीक है, 5 हजार का मदरबोर्ड मंगवा के 5.5 हजार का लगवा रहे हो, ठीक है वो हो गया खराब, भाई नई वारंटी दी थी दिल्ली वालों ने, मदरबोर्ड आ गया वापस, वो कहेंगे भैया हमारा कुछ नहीं है, 5 हजार आपका गया जेब से, तो क्या ही कमा लिया, आप ये खुद सोचो। तो ये सब बातें करने का मेरा मतलब ये था कि लैपटॉप रिपेयरिंग जब भी सीखनी है ना, बड़े बड़े सिलेबस नहीं देखने लोगों के जिन्होंने डाले हुए हैं, सीआरओ, ये बीजीएम मशीन, ये सर्किट डायग्राम, वो है ही है, उसके बगैर तो नहीं है, लेकिन बेसिक अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिंपल सा फंडा है कि। ठीक है, तो फिलहाल मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि कोर्स को स्टार्ट करते हैं या हम कुछ भी कहीं भी ज्वाइन करते, पहली बात एक और चीज जिंदगी में याद रख, कोर्स कराने वाला और खुद जो इंसान कर रहा है काम उसमें बड़ा फर्क होता है। इन सब चीजों के अलावा बहुत सारी चीजें जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस, कई लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे ही देख के बता देंगे, आपके हाथ में पड़ा हुआ मदरबोर्ड देख के बता देंगे, आपने सिर्फ उसको पावर देनी है, वो उतने में बता देंगे कहाँ फॉल्ट है। अब आप सोचो एक्सपीरियंस एक अपने लेवल पे काम करता है। अब मैंने एक बुक पढ़ी, ठीक है वहां मैंने देखा चाहे 4 चीजें, और मैं पढ़ाने लग गया, जब मेरे हाथ में मदरबोर्ड आएगा ना तो ऐसे हो जाएगा, दिमाग फेंट हो जाएगा कि भैया चेक कहाँ से करना शुरू करूं, है क्या इसके अंदर, करूं क्या। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, तो हमेशा अपने आप को इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए इस तरीके से चलो कि मुझे इस चीज का उस्ताद बनना है, ये नहीं
कि टाइम पास करने आया हूं मैं, जिंदगी का मामला है, आपकी लाइफ का मामला है, इसको एकदम समय को उस्ताद बनना भाई इस लाइन में, मैंने ऐसे ही तैसे देखा जाएगा है क्या इसके अंदर, एक मदर बोर्ड देना है वहां से, मैकबुक का ही दे दो सामने तो, ये वाला देख रहे मदरबोर्ड कितना सा मदरबोर्ड है मेरे हाथ के अंदर ही आ गया और इसके अंदर ही फॉल्ट है, और इसी को रिपेयर करके आप 6-7 हजार 8 हजार 10 हजार ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी छेड़ता जाऊं छेड़ता जाऊं छेड़ता जाऊं छेड़ता जाऊं और बाद में सोचूंगा अरे यार मैंने सीखा क्या यार, ऐसे बहुत से बंदे होंगे जो सीख के आए भी होंगे या कहीं सीखा भी होगा, मैं देखो किसी के बारे में नहीं कह सकता, बट ये इस लाइन की हिस्ट्री है, 90% लोग इस लाइन में गंदी डाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो खराब कर रहे हैं मदरबोर्ड्स को और मार्केट में फेंक देते हैं, और उससे होता है कस्टमर का विश्वास उठना शुरू हो गया, वो किसी के पास जाता है ऐसी तैसी करवा के आता है, हमारे पास तो खैर बहुत केस आते हैं रोज के, अच्छे खासे बोर्ड में फॉल्ट कहीं होता है, छेड़ कहीं देते हैं, खत्म कर देते हैं बोर्ड को पूरा, फिर लाते हैं, खैर ठीक है वो अलग लाइन वो अलग बात है। तो आपने ये चीज नहीं करनी इसके अंदर, आपने पूरा डिटेल में सीखना है क्या, ये एक पढ़ाई है, ये ना सोचो कि मैं, आप समझ लो आप बीटेक करने लो, बीटेक के स्टूडेंट्स के साथ भी जो नॉलेज यहाँ मिलेगी, बीटेक जो समझ लो 4 साल की डिग्री लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में करते हैं, और मैंने तो यहाँ तक कि अब्रॉड के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जो बीटेक कर चुके थे, जिनको यही नहीं पता था इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, जिन्होंने बीटेक कर ली, आप सोच सकते हो, ये हमारे रविंदर सर हैं, इनको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है बिल्कुल, इन्होंने तो मेरे हिसाब से 100 से 150 प्रोडक्ट ही रिपेयर किए होंगे अलग अलग। तो इसको एकदम पढ़ाई लेके चलो, और ये आपका करियर का सवाल है, ढंग से करो, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप एज छोटी है, ये सीख के आज, ये सीख के आज अगर आप फॉरेन के लिए अप्लाई कर देते हो, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका किसी भी कंट्री, दुबई सिंगापुर, 1-2 लाख महीने का कहीं नहीं गया, आपको हैंड टू हैंड मिलेगा, लेकिन आपको वैल्यू होनी चाहिए आपके पास कि भैया मैं करके दूंगा, समझ होनी चाहिए आपको, फिर उसके अलावा इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो मार्केट में लोगों को पता ही है, आपको रास्ते भी हम बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या करना होता है, कहाँ कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, कल को आप अपने अपने शहर में काम करना, अपने शहर में बिजनेस कैसे बढ़ाते हैं ये भी बताएंगे आप, ये नहीं होता कि दुकान खोल ली और बैठ के राम भरोसे, अरे कस्टमर आएगा होगा कोई आएगा, फिर राम को आरती उतार रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ, ठीक है वो जरूरी है, भगवान या जिस भी जैसे भी आप जिसको भी शक्ति को जिसको भी मानते हो वो सिर पे है, हमेशा उसको माथे पे रखो, लेकिन एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और आज का टाइम एफर्ट्स का है, आपकी लाइफ मैं अभी भी बोलूंगा आपकी अभी बहुत छोटे हो, आप डिटेल में पढ़ो और तसल्ली रखो, जहां इतने साल लगाए वहां पर थोड़ा रुक के पढ़ने में कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आराम से पढ़ो और उसके बाद पूरी दुनिया खुली है आपके लिए, आप कुछ भी कर सकते हो यार, 10-20-50 हजार कुछ भी नहीं है इस लाइन के अंदर, हैंड टू हैंड कमा सकता है बंदा, जिस दिन आपके पास 2 लैपटॉप भी, सिर्फ मैं कहता हूँ आप इतना काबिल हो जाओ कि मेरे पास 2 लैपटॉप दिन के आए तो आप लेके चलो, अगर आप मैं कहता हूँ मरे से मरा 1,000 भी एक लैपटॉप में कमाते हो, 2,000 हो गए तो आप मान के चलो कि 60 हजार रुपया महीना हो गया, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं ना, एक से एक डिग्रियां, 10-15 हजार से ज्यादा की नौकरी नहीं मिलती उनको, भूल जाए दुनिया, और कितना खज्जल खुआर होना पड़ता है उनको, उनको ही पता है कितने धक्के खाने पड़ते हैं पूरे पूरे 6-6 5-5 6 साल पढ़ने के बाद, ये आपकी लाइन है, आपकी लाइफ है और ये आपका ही टाइम है, करिए, इस टाइम मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, जब हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम आपको खुद फील होगा कि हम सर, मैंने तो पहले भी अपने स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है, उनको मैं यही कहता था कि एक काम करो, ये लो 2 मदरबोर्ड ले जाओ मेरे से, आप कहीं से भी ले आओ, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली के उनके पास जाके बोलो सर मैं सीखना चाहता हूँ, पहले ये 2 मदरबोर्ड सर इनमें से एक रिपेयर करके दे दो, आपको भी ट्राई करके देखना है इस चीज, और हाथ खड़े हो जाएं कांपने लग जाएंगे आपके सामने, उनको पता नहीं लगेगा क्या बोलूं इसको, आंसर क्या दूं मैं, तो ठीक है हम किसी को बुराई भी नहीं करनी चाहिए हमको ऐसे किसी का मजाक, लेकिन एक सच्चाई है, आपकी लाइफ का सवाल है, आप सोचोगे कि मैं, हम कितनी चीजें सोच समझ के करते हैं और इस चीज को हम बड़ा इजिली, चल यार कोई बात नहीं यहाँ चले जाए, मेरे को ठीक लग रहा है यार, इसने तो बड़ा अच्छा यार पोस्टर्स बहुत अच्छे लगाए हुए हैं यार, बड़ी अच्छी ड्रेस में लड़की बैठी है मेरा फॉर्म भर रही है, तो भाई ठीक है इसके पास करेंगे, तो ऐसे बहुत बैठे हैं करने वाले, तो अपना दिमाग भी यूज करो और ये समझ के चलो टेक्निकल काम, चाहे वो स्कूटर रिपेयर होते हैं ना, बाइक रिपेयर होते हैं, आप किसी कंपनी में लग जाओ और किसी दुकानदार के पास लग जाओ जो कर रहा है पिछले 10-15 साल से, आप देखो डिफरेंस क्या है,
बहुत टेक्निकल जो कर रहे हो, डिफरेंस टेक्निकल काम सीखना ही वही चाहिए जहां हो रहा है। तो भाई करना तो हमने बुक्स में तो पढ़ना, करना तो प्रैक्टिकली ही है ना। बुक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसी को प्रैक्टिकली करना होता है, समझ रहे हो। बुक्स में जो पढ़ा उसको प्रैक्टिकली करना होता है, फिर उसको कहते हैं कि एक नॉलेज हुई क्या। तो आप दिमाग लगा समझदार है, सोच सकते हैं कैसे करना है कैसे नहीं।